हेलो एवरीवन उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे मैं मुनेंद्र सिंह स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट से आज हम पढ़ेंगे स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इससे पहले मैं आपको इसके कुछ बेसिक बताता हूँ जैसे जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई है हमें इसका निकालना है स्क्वायर रूट यानी मुझे निकालना है एक्स प्लस आयोटा जो वाई है इसका स्क्वायर रूट लेना है तो इसका स्क्वायर रूट निकालने से पहले मैं आपको सिंपल कुछ चीज़ें हैं जो आपको डायरेक्ट याद रखनी है जिससे क्या है हमें टाइम भी बचेगा तो देखो क्या करेंगे मेरे पास ये जो जेड है इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ एक्स प्लस आयोटा बी और अगर मैं इसका स्क्वायर करूँगा तो ये बन जाएगा आपका जेड स्क्वायर इक्व टू एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा बाई का स्क्वायर और टू आयोटा एक्स बाई ध्यान तो से देखो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बन जाएगा क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन होती है प्लस आयोटा टू एक्स वाई तो ध्यान से देखो मेरे पास जो रियल पार्ट है वो कितना है एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर और जो इमेजिनरी पार्ट है वो कितना है टू एक्स वाई तो हमें अब डायरेक्ट जो है सिर्फ इसी पर फोकस रखना है अगर मैं यहां से एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर की वैल्यू डायरेक्ट रियल पार्ट के इक्वल कर दूंगा और इमेजनरी पार्ट की वैल्यू टू एक्स वाई के बराबर कर दूंगा तो यहां से हम एक्स वाई की वैल्यू निकालेंगे तो देखिए जो आपका क्वेश्चन है इसमें हमें दे रखा है माइनस फाइव और माइनस ट्वेल्व तो ध्यान से देखो इसके लिए मेरे पास रियल पार्ट जो है वो कितना है माइनस फाइव है और इमेजनरी पार्ट जो है वो कितना है माइनस का ट्वेल्व है तो क्या आ जाएगा मेरे पास जो रियल पार्ट है वो है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और ये है हमारे पास माइनस का फाइव इक्वेशन वन और ये है आपका टू एक्स वाई इक्व टू माइनस का ट्वेल्व और यहां से अगर मैं टू का डिवाइड कर दूँ तो ये आ जाएगा माइनस का सिक्स ये इक्वेशन टू होगी अब ध्यान से देखो मेरे पास एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर है यहां पर एक्स वाई है तो आपको याद हो तो आपने ये क्वेश्चन देखा होगा अगर मेरे पास ए प्लस बी की वैल्यू निकालनी है और हमें ए माइनस बी की दे रखी हो तो ये फॉर्मूला होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस फोर ए बी और ये रूट के अंदर और ऐसे ही अगर ए माइनस बी निकालना है तो इसका मतलब ये है कि हमें ए प्लस बी गिबन होगा और यहां से सिर्फ माइनस साइन आ जाएगा अंदर फोर ए बी से पहले तो देखो अगर ए प्लस बी का होल स्क्वायर करें तो हमारे पास क्या आएगा ए स्क्वायर आएगा प्लस बी स्क्वायर माइनस के टू ए बी आएगा तो यहां से माइनस के टू ए बी और फोर ए बी में से जब माइनस होंगे तो प्लस के टू ए बी बचेंगे टू ए बी और ये जब ऐड होंगे तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा इसका स्क्वायर रूट लेने पर वापस यही मिल जाएगा ऐसे ही इसमें यहाँ से प्लस का टू ए बी बचेगा और यहाँ से माइनस का फोर है तो ओवरऑल सॉल्व होने के बाद माइनस का टू ए बी बचेगा मतलब ए माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा और यहाँ से स्क्वायर रूट आ जाएगा तो इस फॉर्मूले के बेसिस पर अगर मैं इसकी वैल्यू देखूं तो मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर दे रखा है यहां से मैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकता हूं तो कितनी आ जाएगी देखो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर और यहां आ जाएगा मेरे पास प्लस फोर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर तो ध्यान से देखो ये इसका स्क्वायर रूट है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है माइनस का फाइव है इसका हमें क्या करना है स्क्वायर करना है प्लस फोर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालो यहाँ से कितनी आएगी एक्स वाई की वैल्यू माइनस सिक्स है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा ये आ जाएगा मेरे पास माइनस का सिक्स का स्क्वायर और ये रूट के अंदर ये हो जाएगा आपका ट्वेंटी फाइव और ये हो जाएगा फोर इन थर्टी सिक्स तो कितना आ गया ये आ गया आपका ट्वेंटी फाइव और यहाँ से करेंगे तो ये आ जाएगा आपका वन फोर्टी फोर ट्वेंटी फाइव और वन फोर्टी फोर वन सिक्सटी नाइन हो गया और इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा थर्टी यानी हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू आ गई थर्टीन और ये इक्वेशन नंबर थ्री देखो एक बार प्लस में है एक बार माइनस में है दोनों हैं सॉल्व कर लो तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर यहाँ माइनस वन है यहाँ से दोनों को ऐड करेंगे तो ये मेरे पास टू एक्स स्क्वायर आ जाएगा माइनस के थर्टीन में से फाइव जाएंगे तो एट बचेंगे तो एक्स स्क्वायर टू आ गया फोर तो मेरे पास एक्स स्क्वायर की वैल्यू आई है फोर इसका मतलब एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी प्लस माइनस टू तो मेरे पास दो वैल्यू आ गई है एक्स की एक तो प्लस में टू और एक माइनस में टू अब यहां से डायरेक्ट हम इक्वेशन टू में रखेंगे एक्स की वैल्यू तो प्लस माइनस टू और तब हमें माइनस मिल रहा है और यहां माइनस है तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस तो देखो वाई इक्व टू आ जाएगा मेरे पास माइनस आगे है तो माइनस और प्लस लग जाएगा नीचे टू से सिक्स कट जाएगा थ्री टाइम्स तो मेरे पास वाई की वैल्यू आ गई माइनस का थ्री और x की वैल्यू आ गई मेरे पास प्लस माइनस टू हमें चाहिए क्या हमें चाहिए था यही जेड इक्व एक्स प्लस आयोटा ये हमारा स्क्वायर रूट होता है तो एक्स की वैल्यू है मेरे पास प्लस माइनस टू वाई की वैल्यू है यहां आयोटा आएगा तो प्लस आयोटा यहां आ जाएगा माइनस प्लस थ्री तो ध्यान से देखो अगर मैं दोनों में से प्लस माइनस साइन बाहर निकालूं तो यहां रहेगा टू यहां देखो आयोटा है जब मेरे पास यहां प्लस है तो यहां माइनस है इस चीज का विशेष ध्यान रखना है अगर एक में माइनस है तो यहां आ जाएगा माइनस और आयोटा इंटू थ्री तो ध्यान देखें प्लस माइनस कॉमन लेंगे तो यहां से ओनली टू रह जाएगा और यहाँ माइनस प्लस है तो ये माइनस साइन रह जाएगा तो ये आ जाएगा आपका टू माइनस थ्री आयोटा तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है जिसमें टू माइनस थ्री आयोटा हो तो ये ऑप्शन है आपका बी तो इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा टू माइनस थ्री आयोटा अगर आप चाहो तो क्रॉस चेक कर सकते हैं इसका स्क्वायर करो टू माइनस थ्री आयोटा अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो मेरे पास यही आ जाएगा तो देखो टू का स्क्वायर फोर थ्री का नाइन आयोटा स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस टू अभी तो माइनस का सिक्स और ये ट्वेल्व आयोटा ध्यान से देखो फोर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है माइनस नाइन में आ जाएगी क्योंकि माइनस वन होता है और ये हो जाएगा आपका माइनस का ट्वेल्व तो माइनस का नाइन है प्लस के फोर है तो माइनस का फाइव बचेगा तो देखो वही आ गया जो हमारे पास दे रखा है लेकिन आप ऐसे क्रॉस चेक करेंगे सबको चारों को चार तो ज्यादा टाइम लग जाएगा इसकी वजह ये आपको दिख रहा लेंदी है लेकिन जब आपको फॉर्मूले डायरेक्ट याद होंगे तो ईजिली हो जाएगा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बेसिस पे डायरेक्ट आपका दूसरा क्वेश्चन है जेड इक्व टू एट माइनस सिक्स आयोटा हमें पता है कि जो रियल पार्ट है उसको सिंपल इतना रखना है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्व टू एट और ये आ जाएगा टू एक्स वाई इक्व टू माइनस का सिक्स यहां से सिंपल एक्स वाई की वैल्यू निकालो माइनस का थ्री आपको सिर्फ ये दो इक्वेशन याद रखनी है यहाँ से सिंपल आप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालें कितना आ जाएगा इसका तो हमें स्क्वायर करना है क्यों करना है क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला ये होता है इसका स्क्वायर प्लस फोर और एक्स बाई जो है उसका स्क्वायर होता है ये आपको सिंपल याद रखना है यहाँ से देखो इसका स्क्वायर करेंगे एट का तो ये आ जाएगा सिक्सटी फोर प्लस फोर इसका स्क्वायर करेंगे तो थ्री का हो जाएगा कितना नाइन और इसका स्क्वायर रूट है तो ये आ जाएगा आपका सिक्सटी फोर और ये आ जाएगा थर्टी सिक्स और ये हो जाएगा आपका हंड्रेड और हंड्रेड का स्क्वायर रूट होता है टेन यानी हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू आ गई कितनी टेन आ गई बस दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएंगी क्या आ जाएगा तो मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ये एट है और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये आपका टेन है दोनों को ऐड करेंगे तो ये आपका टू एक्स स्क्वायर इक्व टू एटीन आ गया एक सेकेंड ठीक है एक्स स्क्वायर इक्वस टू आ जाएगा आपका नाइन और एक्स की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस थ्री यानी एक्स की वैल्यू मेरे पास कितनी है प्लस माइनस थ्री है और वाई की वैल्यू निकालने के लिए डायरेक्ट इक्वेशन टू में रखें तो आपके पास वाई की वैल्यू आ जाएगी तो देखो वाई कितना आ जाएगा ध्यान से देखेंगे कि मेरे पास एक्स की वैल्यू जैसे ही मैं प्लस माइनस वाली थ्री रखूंगा तो ये आ जाएगा मेरे पास प्लस माइनस थ्री और यहां पर है माइनस का थ्री थ्री से थ्री कट जाएगा तो वन बचेगा ना कि जीरो जब यहां पर प्लस है तो माइनस में वैल्यू मिल रही है और माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा मतलब ये साइन बदल जाएगा माइनस ऊपर आ जाएगा प्लस नीचे आ जाएगा और ये वैल्यू हो जाएगी वन तो हमारे पास आंसर आ जाएगा कितना एक्स प्लस आयोटा वाई की फॉर्म में लिखेंगे तो ये बन जाएगा आपका एक्स की वैल्यू प्लस माइनस थ्री आयोटा प्लस माइनस आयोटा और ब्रैकेट में लिखेंगे माइनस प्लस आयोटा की जगह पर बना आ अब देखो वही जैसे ही मैं यहां से प्लस माइनस निकालूंगा तो यहां तो थ्री रह जाएगा और वन इंटू आयोटा लेकिन यहां माइनस पहले है ऊपर तो ये आ जाएगा माइनस तो देखो क्या बन जाएगा एक सेकेंड ये बन गया आपका प्लस माइनस थ्री आयोटा तो चेक करो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें थ्री आयोटा है तो ये है आपका ऑप्शन नंबर बी ठीक है जैसे ही आप प्रैक्टिस करेंगे एक मिनट का क्वेश्चन होता है ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अब आपको दे रखा है स्क्वायर रूट ऑफ आयोटा यानी मेरे पास जेड ओनली आयोटा है तो ध्यान से देखें क्या आपको इसमें रियल पार्ट दे रखा है नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है इसका मतलब ये जो है वो फॉर्म इसमें है जीरो प्लस आयोटा की फॉर्म में यानी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इसकी जो वैल्यू है वो कितनी है जीरो टू एक्स वाई इसकी वैल्यू कितनी है आयोटा तो हमें आयोटा का कॉफिशियंट लेना है कितना है जब आयोटा के सामने कुछ नहीं है इसका मतलब वन होगा तो x इंटू वाई की वैल्यू आ जाएगी वन अपॉन टू और ये होगी इक्वेशन नंबर टू इक्वेशन वन क्या आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो ये होता है आपका एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस फोर और ये एक्स वाई का होल स्क्वायर रूट के अंदर देखो इसकी वैल्यू कितनी है जीरो जीरो का स्क्वायर जीरो प्लस फोर एक्स इंटू वाई इसका स्क्वायर करेंगे तो वन अपॉन टू का स्क्वायर कितना होता है फोर होता है तो फोर से फोर कट जाएगा यहाँ बचेगा वन जीरो प्लस वन वन कितना होता है तो वन का स्क्वायर रूट लोग कितना आएगा वन ही आएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू वन आ गई और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है जीरो है तो ये हो जाएगा आपका जब ऐड करेंगे तो टू एक्स स्क्वायर बनेगा यहाँ जीरो प्लस वन कितना हो जाएगा वन आ जाएगा तो टू एक्स स्क्वायर इक्व टू वन आ जाएगा एक्स स्क्वायर इक्व टू वन अपॉइन टू और एक्स की जब वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से स्क्वायर रूट आ जाएगा ये तो ध्यान से देखें यहाँ आ जाएगा प्लस माइनस वन तो देखो x इक्वस टू वन का तो स्क्वायर रूट वन ही होता है लेकिन टू का स्क्वायर रूट जो है रूट में ही रहेगा तो x इक्वस टू आ गया मेरे पास कितना प्लस माइनस वन अपॉइन रूट टू वाई की वैल्यू निकालने के लिए सिंपल इसमें रखेंगे इक्वेशन टू में तो प्लस माइनस वन अपॉन रूट टू यहाँ आ जाएगा वाई इक्वस टू वन अपॉन टू तो ध्यान से देखो यहाँ से टू रूट में है और यहाँ टू रूट में नहीं है तो इससे ये कट जाएगा वाई इक्व टू प्लस माइनस एक रूट रह जाएगा जब प्लस माइनस इधर है तो इधर भी चला जाएगा क्योंकि माइनस होता तो साइन पलट जाता है लेकिन प्लस में है तो सेम वही आएगा तो ये आ जाएगा वाई इक्वस टू मेरे पास आ गया प्लस माइनस टू टू तो हमें लिखना है एक्स प्लस आयोटा वाई की फॉर्म में तो ये आ जाएगा वन अपॉन रूट टू और आयोटा यहां रखेंगे वन अपॉन रूट टू और आगे प्लस माइनस प्लस माइनस आगे बाहर कॉमन ले लेंगे और वन अपॉन रूट टू भी कॉमन ले लो क्योंकि दोनों में एक जैसा है यहां बचेगा वन और यहां आप बचेगा आपके पास आयोटा तो ये आ जाएगा आपका वन अपॉन रूट टू वन प्लस आयोटा तो ये आपका ऑप्शन है ए प्लस माइनस और वन अपॉन रूट टू और वन प्लस आयोटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके पास दे रखा है स्क्वायर रूट निकालना है हमें सेवन माइनस ट्वेंटी फोर तो आपको पता है ये जो मेरे पास सेवन है ये मेरे पास रियल पार्ट है और जो ट्वेंटी फोर है वो मेरे पास इमेजनरी पार्ट है क्या आ जाएगा यानी रियल पार्ट के लिए हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इसकी वैल्यू है माइनस के सेवन और टू एक्स वाई इसकी वैल्यू है ट्वेंटी फोर तो यहाँ से सिर्फ x इंटू वाई की वैल्यू निकालेंगे तो टू सिक्वा टाइम्स कट जाएगा ये इक्वेशन टू होगी अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू हमें निकालनी है तो वही अब आपको उम्मीद है फॉर्मूला याद हो गया होगा इसका तो स्क्वायर करना है तो माइनस सेवन का स्क्वायर प्लस फोर इसका भी स्क्वायर करना है ट्वेंटी फोर और ये आएंगे आपके रूट के अंदर ध्यान से देखो सेवन का स्क्वायर होगा फोर्टी नाइन ये रहेगा आपका फोर और ट्वेंटी फोर का स्क्वायर होता है फाइव सेवेंटी सिक्स ठीक है तो ये हो गया आपका फोर का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बनेगा ये मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा फोर इंटू सिक्स ट्वेंटी फोर टू और ये थर्टी जीरो थ्री और ट्वेंटी थ्री तो ये आ गया आपके पास ऐड करेंगे ट्वेंटी थ्री फिफ्टी वन जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये बनेगा आपका एक सेकेंड ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव ट्वेल्व है ये एक सेकेंड ये ट्वेंटी फोर नहीं है ट्वेल्व है हाँ ये आ जाएगा आपका कितना माइनस सेवन का स्क्वायर प्लस फोर क्योंकि एक्स और वाई की वैल्यू हमारे पास ट्वेल्व है तो ये ट्वेल्व का स्क्वायर होगा ट्वेंटी फोर तो ऊपर टू एक्स वाई की वैल्यू है कितना आ जाएगा ये हो जाएगा आपका फोर्टी नाइन ये हो जाएगा आपका फोर और ये वन फोर्टी फोर अब मल्टीप्लाई कर दो फोर्टी नाइन प्लस फोर का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो सिक्स और ये आ जाएगा सेवन और ये आ जाएगा फाइव सेवेंटी सिक्स जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका सिक्स ट्वेंटी फाइव और इसका स्क्वायर रूट लेने पर ट्वेंटी फाइव आएगा तो हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी ट्वेंटी फाइव तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना है ट्वेंटी फाइव और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कितना है ये है आपका माइनस सेवन दोनों को ऐड कर दो ये हो जाएगा आपका टू एक्स स्क्वायर अब ट्वेंटी फाइव में से माइनस का सेवन होगा तो कितना बचेगा एट्टीन यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू टू से एटीन कट जाएगा नाइन टाइम्स और एक्स की वैल्यू आएगी तो नाइन का स्क्वायर रूट होता है थ्री और प्लस माइनस साइन अब देखो यहाँ से जब बाल ये एक्स की वैल्यू में यहाँ पुट करूँगा तो वाई की वैल्यू आ जाएगी तो ये प्लस माइनस थ्री इंटू बाई इक्वस टू ट्वेल्व तो कितना आ जाएगा थ्री से कट गया फोर टाइम्स वाई इक्व टू आ जाएगा अब देखो यहाँ पे कोई साइन नहीं है इसका मतलब प्लस माइनस ही आएंगे तो y इक्व टू आ गया मेरे पास प्लस का फोर और हमें पता है कि जो हमारे पास वैल्यू आई है x और y की उसको हमें यहाँ पुट करना है तो क्या आ जाएगा x है मेरे पास प्लस माइनस थ्री ये आ जाएगा आपका प्लस का थ्री प्लस आयोटा वाई की वैल्यू कितनी है प्लस माइनस फोर आयोटा अब देखो दोनों में दोनों में ही प्लस माइनस फोर है प्लस माइनस है तो प्लस माइनस ले लूंगा मैं यहां से तो यहां बचेगा ओनली थ्री यहां से बचेगा आयोटा के साथ में फोर तो ये बन जाएगा आपका प्लस माइनस थ्री प्लस फोर आयोटा चेक करो ऐसा ऑप्शन कौन सा है तो प्लस माइनस थ्री प्लस फोर आयोटा तो ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपके पास है द स्क्वायर रूट ऑफ माइनस थ्री एंड माइनस फोर तो मेरे पास रियल पार्ट जो है वो माइनस का थ्री है और इमेजनरी पार्ट जो है वो आपका माइनस का फोर है तो हमें पता है कि जो रियल पार्ट है उसको मैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के इक्वल करता हूँ और जो इमेजनरी पार्ट है उसको मैं टू एक्स वाई के इक्वल करता हूँ यहाँ से टू से फोर को जब कैंसिल आउट करेंगे तो माइनस का टू बचेगा ठीक है अब देखो हमारे पास माइनस में है तो इसकी प्लस वाली वैल्यू का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इसका होल स्क्वायर प्लस फोर और एक्स वाई का होल स्क्वायर यानी हमारे पास जो इक्वेशन वन है उसकी वैल्यू का स्क्वायर करना है प्लस फोर का मल्टीप्लाई करके इक्वेशन टू में जो वैल्यू आई है ये इसका स्क्वायर करना है तो देखो माइनस थ्री का स्क्वायर नाइन प्लस फोर एक्स इंटू वाई कितना है माइनस का टू इसका स्क्वायर करें तो कितना आ जाएगा फोर आ जाएगा तो ये हो जाएगा आपका नाइन प्लस सिक्सटीन कितना हो गया ट्वेंटी फाइव और ट्वेंटी फाइव का स्क्वायर रूट होता है आपका फाइव तो हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू आ गई कितनी फाइव तो ये है आपका फाइव और ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ये आ जाएगा आपका माइनस का थ्री सॉल्व कर लो दोनों कट जाएंगे ये एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर एड होकर टू एक्स स्क्वायर आ जाएगा माइनस के फाइव है और माइनस के थ्री हैं टू बचेगा अब टू से टू कैंसिल हो जाएगा तो आप काट के जीरो मत कर देना वन आएगा यहाँ से जब स्क्वायर रूट अटेगा तो ये प्लस माइनस वन होगा क्यों क्योंकि प्लस की वैल्यू का स्क्वायर करने पर भी बनाता है माइनस का स्क्वायर करेंगे तो भी बनाता है अब ये वाली वैल्यू उठा के यहाँ रख दो तो हमारे पास वाई की वैल्यू आ जाएगी तो एक्स की वैल्यू मैंने प्लस माइनस वन रखी इंटू वाई इक्व टू माइनस का टू अब देखो जब मेरे पास प्लस है तो यहाँ माइनस मिलेगा और जब माइनस रखूंगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो मेरे पास वाई की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से साइन पलट जाएगा माइनस ऊपर आएगा प्लस नीचे आएगा और ये हो जाएगा टू तो वाई इक्वस टू आ गया मेरे पास माइनस प्लस टू और एक्स इक्वस टू आ गया प्लस माइनस वन तो हमें ये वाली वैल्यू जो है इस फॉर्मेट में लानी है तो एक्स की वैल्यू कितनी है एक्स की है आपके पास प्लस माइनस वन और यहाँ रख दो आयोटा और यहाँ पर कितनी है माइनस प्लस टू तो क्या आ जाएगा यहां से मैं प्लस माइनस वार कॉमन लूंगा तो यहाँ बचेगा वन और ये जो माइनस है वो इसके आयोटा के साथ आ जाएगा तो आपका आंसर आ जाएगा प्लस माइनस वन माइनस टू आयोटा चेक करो ऐसा कौन सा ऑप्शन है तो ये ऑप्शन आपका डी है ठीक है आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप बता सकते हैं ठीक है थैंक यू सो मच